This conference will now be recorded. सी 6:30 हो गया है अभी नहीं, चलो 1 मिनट है, 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। काम करो मोहित, ऑफिस में एसी का रिमोट रखा होगा, उसे कर दो, चल नहीं रहा। हाँ सारे हिटाची चल गया, चल गया, चल गया, छोड़ दो। चलो भाई, मतलब हर बार जब बैच शुरू होता है तो सबसे पहली चीज होती है कि जनरली आई ऑलवेज स्टार्ट विद प्रीएम्बल और एसडीजी और डीपीएसपी और दीस थिंग्स। इस बार का जब मेंस हुआ और मेंस का जब पेपर आया तो एक बात और समझ में आई कि हम लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों ने भी जो लोग मतलब पिछले साल थे 2 ईयर प्रोग्राम 3 ईयर प्रोग्राम में, तो जब आपने मेंस का पेपर देखा तो आपको लगा कि मतलब हम बहुत मतलब 90% जो भी हमने किया वो क्लास में था, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो आईआर हो, चाहे सारी चीजें हो। बट मेरे एंड पर एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन ये था कि जो नॉर्मल बच्चा आ रहा है, कोई स्वागता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो मेरे एंड पर एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन ये था कि व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ऑटोमेटिकली कम्स टू माय माइंड और इट शुड कम टू योर माइंड इज हाउ वेल डू यू नो द एग्जाम। बिकॉज आप किसी भी व्यक्ति का मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू डोंट नो अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, यू डोंट नो व्हाट इज द सिलेबस, यू डोंट नो व्हाट दे हैव रिटन इन द एग्जाम स्कीम, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स देयर इज नो पॉइंट प्रिपेयरिंग। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो क्लास के कुल मिलाकर के 3 हिस्से होंगे। पहला पार्ट जिसमें वी विल गिव अ जनरल ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, हाउ वी विल गो थ्रू, मतलब पूरा एक साल हमारा कैसे प्लान होगा। एंड थर्ड सेकंड थिंग विल बी जहां पर हम पहली बार प्रीएम्बल को उठाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल एंड हाउ इट इज लिंक्ड विद द एंटायर सिलेबस, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। और लास्ट जो फेज होगा वो होगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी और न्यूज़पेपर डिस्कशन का। तो चलिए, सामने आपके जो लिखा है वो प्रीलिम्स का स्कीम है, प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब आप अगर देखिए तो प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा लगता है देखने में। जनरली बहुत बार व्हेन पीपल सेलेक्ट देयर ऑप्शनल पेपर्स दे रिसॉर्ट टू दिस लॉजिक कि यार उस सिलेबस का या उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है दैट इज स्मॉल। इट इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दैट थिंग। अगर आप प्रीलिम्स में आप देखो तो उन्होंने लिख रखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब क्या, हिस्ट्री में क्या क्या ये कहीं मेंशन है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कौन से टॉपिक्स पॉलिटी में, इंडियन इकोनॉमी कौन सा, मतलब क्या पढ़ना है। तो पहली लर्निंग जो हमारी होती है, और इसीलिए प्रीलिम्स इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम, बिकॉज व्हेनेवर यू सी दैट एग्जाम का सिलेबस किसी का छोटा हो,
समझ जाना वो बहुत वेग है, वो डिटेल्ड नहीं है। यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। लेकिन जब आप मेंस की स्कीम में भी हम चलेंगे तो हम वहां पर देखेंगे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हिस्ट्री यू हैव टू रीच दीज फोर टॉपिक्स, इन ज्योग्राफी यू हैव टू रीच दीज थ्री टॉपिक्स, इन पॉलिटी यू हैव टू रीड दीज 10 टॉपिक्स। दे आर क्लियरली मेंशन कि भाई हाँ हमारे हमने ये चीजें हमने करनी है, ठीक है। फिर वी ऑल नो कि दो पेपर्स होते हैं प्रीलिम्स में, पहला पेपर इज मतलब इट इज द मेन पेपर, सेकेंड पेपर जो है आपका वो इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। एंड देन कम्स द मेन्स एग्जाम। आई ऑलवेज हाईलाइट दीज थिंग्स, मतलब वॉट, हाँ प्री का जो सेकेंड पार्ट है, पहली चीज तो ध्यान रखनी है कि इसमें 55 मार्क्स, 55% पेपर कम्स फ्रॉम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ओनली 45% पेपर इज रीजनिंग और मैथमेटिक्स। नंबर दो, इट इज नॉट मैथमेटिक्स, इट इज सिंपल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन थिंग। इसमें बहुत टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं होती है, पीपल मतलब वही है रहा कि लोग एक मतलब टू फूल यू, दे विल से कि भाई हम इन 20,000 रुपीज, इन 30,000 रुपीज वी विल गिव क्लासेस ऑफ सी सेट। दिस इज कंप्लीटली फूलिश। व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रैक्टिस टू पेपर्स एंड दैट विल बी इनफ टू गिव 66 मार्क्स, ठीक है। कुछ नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई मैथ्स की एनसीईआरटी नहीं चाहिए, कोई वो मैंने देखा लोग क्या वो पता नहीं कौन आरडी शर्मा लगाते हैं, अरे भाई आप बेवकूफ हो रखे हैं। स्टुपिडिटी एट इट्स बेस्ट। यू डोंट हैव टू डू दीज थिंग्स। सिंपल ग्राफ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, 55% क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश अप्रेंशन से कॉम्प्रेंशन से आते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, कोई वो नहीं होना है। धीरे धीरे हम पेपर्स करते जाएंगे, अपने आप देखो कि आपके नंबर 100 120 आने, हमें कितना चाहिए, 33% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट फियर होता क्या है, जो बेचारे बच्चे आर्ट्स के होते हैं वो दे मतलब उनको डराते हैं, वो कह रहे तुम तो फेल हो जाओगे वहां पर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं डीयू के जो लगातार जो है वो ये वाला पेपर क्लियर करते रहे, उसमें कोई इतना डरने की बात नहीं है। किसी को भी कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर गुड, ठीक। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है, कोई डाउट हो किसी को तो लिख सकता है चैट बॉक्स में। पार्ट बी मेंस एग्जामिनेशन, भाई साहब इतने सालों से मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बड़ा मतलब एक बिविल्डर्ड भी हो जाता हूं और बड़ा परेशान भी हो जाता हूं। मतलब बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, कोचिंग्स ले रहा है, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, मैं आई आस्क वेरी जनरल क्वेश्चंस दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द मेंस एग्जाम, व्हाट यूपीएससी सीक्स इन अ कैंडिडेट, क्यों पेपर, हम पागल हैं भाई, क्यों पेपर ले रहे हैं वो, क्या कुछ चाहिए होगा ना, कुछ कुछ ह्यूमन ट्रेट चाहिए होंगे ना, कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए होंगे ना, दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग दिस एग्जाम एंड दे आर लुकिंग फॉर दोज स्किल्स। मतलब भाई साहब सामने दे रखा है, उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है व्हाट वी एक्सपेक्ट। आइए देखते हैं, द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। अगर आपको याद हो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी प्रिपरेशन ब्रॉडली दो चीजों पर डिपेंड होती है, पहला इंफॉर्मेशन क्वोशेंट और दूसरा इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट। पहला इंफॉर्मेशन क्वोशेंट और दूसरा इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट। हमारा पीआईबी करने की स्ट्रेटजी हो, हमारी न्यूज़पेपर करने की स्ट्रेटजी हो, हमारी जो है पूरे ओवरऑल सिलेबस को वीकडेज और वीकेंड में तोड़ने की स्ट्रेटजी हो, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट एंड इंफॉर्मेशन क्वोशेंट।
जब मैं आपको इंडिया वे बुक पढ़ाता हूं फॉरेन मिनिस्टर की, जब मैं आपसे बोलता हूं कि एम एस स्वामीनाथन सर की हम हंगर पर बुक पढ़ेंगे, जब मैं आपको बोलता हूं हम नीति आयोग की रिपोर्ट्स करेंगे, जब मैं आपको बोलता हूं कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट करेंगे, वी आर वर्किंग फॉर योर इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, वी आर वर्किंग ऑन योर इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। पीआईबी में अगर आपने देखा हो तो आई टेल यू कि भाई ये इंफॉर्मेशन है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई न्यूज आ रही है, कोई एप्लीकेशन आ रहा है, कुछ आ रहा है, मैं आपको बोलूंगा कि ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इस टर्म से प्रीलिम्स में एमसीक्यू बन सकता है, दैट इज इंफॉर्मेशन। बट जब मैं आपसे बोलूंगा कि वो बोल रहे हैं कि जल जीवन मिशन में कोई चीज इंपॉर्टेंट हो रही है, या गवर्नमेंट कोई स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है, या इंडिया और सेशल्स के बीच में कोई एमओयू साइन हो रहा है, या इंडिया नेपाल को साथ में कर रहे हैं, दैट इज अगेन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। बिकॉज इफ यू सी, यू कैन डिवाइड द इंटायर प्रिपरेशन इन टू थिंग्स, इंफॉर्मेशंस एंड इंटेलेक्ट और इश्यूज। प्रिलिम्स की जो स्कीम है उसमें दे विल आस्क एमसीक्यूज, प्रिलिम्स की जो स्कीम है उसमें दे आस्क एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में क्या है, आपको पता है कि भाई ये हमें वो इंफॉर्मेशन का गेम है, आपके पास वो इंफॉर्मेशन है तो आपका सही हो गया। बट व्हेन यू लुक एट मेंस, इट इज मोर इश्यू बेस्ड। दे विल आस्क, भाई दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द पेपर ऑफ 2020, जीएस पेपर 1, COVID-19 एंड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ठीक, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज दिखाता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो बेसिकली कहां से आ रहा है। चलिए डॉक्यूमेंट अभी ये खुल नहीं रहा है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। बेसिकली जब हमने पॉवर्टी का डॉक्यूमेंट किया था तो हमने यहां से किया था ये। अरे जो सवाल बना है ये दोनों चीजों से, एक तो बहुत ऑब्वियस सा था, ठीक है ना, एक तो बहुत ऑब्वियस सा था कि भाई COVID-19 की वजह से, COVID-19 की वजह से जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत एग्रीवेट हुई है, और उसके अलावा ये रिपोर्ट जब हमने पॉवर्टी करी तो हमने रिपोर्ट करी। अब आप इस रिपोर्ट की थीम देखो, अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आई विल कम बैक टू दिस, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन, इंटर रिलेटिंग दिस सिलेबस, यू हैव टू फाइंड कॉमन थ्रेड्स जो सिलेबस को इंटर रिलेट कर सके। अगर आपके अंदर ये इंटर रिलेशन की ट्रेट है, आपके आंसर्स बहुत अच्छे होंगे। क्यों? अगर कोई पॉवर्टी में या हंगर में या इंटरनल सिक्योरिटी में या इकोनॉमी में या एग्रीकल्चर में कॉमन चीजें नहीं ढूंढ पा रहा है, ही इज नॉट फिट फॉर सर्विस। व्हाई? बिकॉज यू एज अ ब्यूरोक्रेट विल बी शटलिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, एज अ डीएम यू विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल दीज डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, यू मस्ट हैव दिस स्किल ऑफ इंटर रिलेटिंग थिंग्स। ठीक, तो उसको बोलना जरा पूजा को कि पॉवर्टी और डॉक्यूमेंट भेजे, है भेजो ना। ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं यहां पर, द मेन्स एग्जाम इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रीलिम्स और मेन्स के बीच में जो हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्ट, इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्ट। अब जैसे पॉवर्टी का डॉक्यूमेंट ये रहा,
अब ये अपना पॉवर्टी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मतलब जब हम पॉवर्टी करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक टॉपिक कर रहे हैं, मतलब पॉवर्टी का मतलब ये है कि वो कहाँ से पॉसिबली रिलेट हो सकती है। पहला चीज ये है कि पॉवर्टी क्या होती है, दूसरी चीज ये है कि पॉवर्टी किस किस तरह से लोगों को इम्पैक्ट करी। आप देख रहे हैं पॉवर्टी ऑफ हाउसहोल्ड, पॉवर्टी ऑफ ज्योग्राफीज, ठीक है ना। फिर पॉवर्टी लाइन बास्केट, पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी का एस्टिमेशन किस तरह से हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी हमारे यहाँ कमेटीज बनी है, और उसके बाद ये आ गया आपका कि पॉवर्टी को, आज पॉवर्टी को हम कैसे नाप रहे हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से। और ये है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक, जिसमें हमने इसकी एसडीजी वाइज बात करी है कि भाई हाँ ये एसडीजीज हैं जिनको अचीव करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आइडिया इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्ट थिंग, तो इससे होता क्या है, मतलब ये हमें क्या, पहली चीज ये कि एक चीज और ध्यान रखो, आप कहीं भी जाओ किसी से भी पढ़ो, व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू टू जज अ पर्सन, और मतलब जज वर्ड इज नॉट गुड बट हाउ डू यू नो कि मैं जहां पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वहां पर एग्जाम रेलेवेंट पढ़ाई हो रही है। देखो अच्छी खराब पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई एग्जाम रेलेवेंट होती है, ठीक है ना। ऑलवेज हैव सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट एवर आई एम रीडिंग हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस सिलेबस, हाउ इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट। सो व्हाट दे आर आस्किंग, असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। नाउ वन मोर थिंग ऑन दिस इंटेलेक्चुअल थिंग, Do you know how many people write the examination every year? Any idea? 10 से 11 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं। A million people, more than a million. Half a million write exam every year. 5 लाख. 5 लाख में से करीब करीब 13 to 14,000 get through prelims. 13 to 14,000. नहीं, 13 to 14,000 पीपल गेट थ्रू प्रीलिम्स, मतलब 13 से 14 हजार लोग मेंस लिखते हैं, 13-14 हजार लोग जो मेंस लिखते हैं उसमें से फाइनली 3,000 आर इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू, एंड ऑफ दोज 3,000 और टाइम्स 2,800 2,700 1,000 to 800 पीपल गेट सेलेक्ट फाइनली, and of those 800 to 1000 people 100 90 to 100 are selected as IAS. ek minute, ye funnel jitni choti hoti jati hai na, candidate ki seriousness utni badhti jati hai. bahut aasan tarike hain, matlab aap mere paas aao, main bolunga main lakshmikant padhaunga, main spectrum padhaunga, main ye padhaunga. pehle din aaj aap demo le rahe ho, मैं बढ़िया आपको आकर के बिल्कुल एकदम प्रेसिडेंट पढ़ाना चालू कर दूंगा, आपको लगेगा अरे यार मैंने तो सुन रखा है, यू विल फील गुड, मुझे आता है, राइट। बट दैट विल बी बिगेस्ट ट्रेजरी दैट आई कैन डू, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रिपरेशन में जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये, जस्ट थिंक हम किसके साथ कंपीट कर रहे हैं। जो फाइनल 4,000-5,000 लोग हैं उनका इंटेलेक्ट बहुत ऊपर है, their intellect is really really high and you are competing with those guys. jo ladai hum yahan ladte hain especially weekends par, aap subah se sham tak weekends mein yahan rehte ho rahoge, why? Because we will be fighting for every half mark. Every half mark we will be fighting for. Multi-dimensional poverty index की report 20 पेज की है, लेकिन जब poverty पर COVID वाला question आएगा तो उसमें आपको आधा से एक number ज्यादा मिलेगा सामने वाले comparison में. You will get half to one more mark in comparison to other person. And that will make you a winner. Just think about this. One mark in every question. 20 mark in every paper.
80 मार्क इन एंटायर जीएस। अगर इसी रेशियो से लें तो नियरली 20 मार्क इन एस से ऑल्सो, 100 मार्क्स इन जीएस एंड एस से, 100 नंबर। समझ रहे हो आप? ऑप्शनल तो अपन आईआर करेंगे तो खत्म ही है। 100 नंबर आपको कैसे ज्यादा दिलाए जाए, सारी लड़ाई इस बात की है। अगर इसको तोड़ के देखो तो हर क्वेश्चन में एक नंबर हमें ज्यादा कैसे मिले, सारी लड़ाई इसकी है। प्रिपरेशन अगर ध्यान दो तो बहुत अच्छे से प्लान की जा सकती है। लोग कहते हैं ना कुछ भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात सबसे बड़ा झूठ है कि वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों, अभी दिखाता हूं। तो पहले तो अपने दिमाग में एक ये ब्रैकेट रखना है कि हम जब पूरी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन इज डिवाइडेड इन इंफॉर्मेशन एंड इंटेलेक्ट। ठीक, इंटेलेक्ट कैसे मिलेगा? हम जो बुक्स पढ़ेंगे उनसे मिलेगा, जो हम इंडिया वे पढ़ेंगे, जो हम और बुक्स पढ़ेंगे, जो हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट पढ़ेंगे, नीति आयोग को पढ़ेंगे, इंडिया डे 2025 पढ़ेंगे, जो भी आपको जैसे मैंने अभी रिसेंटली हेल्थ हेल्थ वाले जो पेपर्स भेजे हैं वो सारे पढ़ेंगे, दैट विल गिव अस इंटेलेक्ट। इंफॉर्मेशन जो भी टर्म हमें नहीं पता है, हमें WTO नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है जो है कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, हमें एक स्टेट की ट्राइब के बारे में नहीं पता है, हमें किसी स्टेट के टेम्पल के बारे में नहीं पता है, वो इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन वाला अगर ध्यान दो, जैसे स्टेट वाली जो एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग हर एक 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 स्टेट की जो PDF है उसमें जो नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व है, जो कल्चर है, जो ट्राइब्स है, जो एनवायरमेंट है, जो फिजिकल फीचर्स उनके सारे हैं, ये सारी चीजें क्या है, दे विल गिव यू इंफॉर्मेशन। ठीक, फिर तो ऑलवेज, मतलब ऑलवेज हैव दिस व्यू व्हेन वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, व्हेन वी आर रीडिंग PIP, एनीथिंग इन करंट अफेयर्स, आस्क योर सेल्फ, डू आई हैव अ पॉइंट व्हिच एड्स टू माय इंटेलेक्ट, व्हिच इफ आई विल यूज इन माय मेंस एग्जाम इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एजुकेशन एंड हेल्थ इन पॉवर्टी इन हंगर, इट विल एड वैल्यू इन माई आंसर, दैट इज योर इंटेलेक्ट बिल्डिंग। वेन एवर यू रीड न्यूज पेपर यू मस्ट हैव दैट फिल्टर। क्या कोई ऐसा टर्म, क्या कोई ऐसी रिपोर्ट का नाम, क्या कुछ ऐसा डेटा हमें मिल रहा है जो हम अपने आंसर में अगर यूज करेंगे तो इट विल एड वैल्यू। आस्क योर सेल्फ ऑलवेज। नंबर टू, अभी तक कोई डाउट? हाँ, नहीं नहीं अलग अलग लोग होते हैं। नहीं, वो बात करेंगे, ठीक है। वो बात करेंगे, ठीक है, आगे। सो The main examination is intended to assess the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory. बहुत बेहतरीन चीज दिखी है। Your memory and information is one aspect, but understanding is more important. Clearly, मतलब इससे ज्यादा clear they can't be. Your memory and your information is important but not that much as your understanding. Now how do you develop understanding? When people start preparation and they ask ki matlab hum kya kare, matlab hum Lakshmikant padhne lage, hum ye padhne lage, hum wo padhe, I always say first ask yourself what is my current understanding of things going on around me. Do I know about what is happening in international relations? Do I know something about agriculture? Do I know something about internal security? My job as a teacher is to develop that understanding. अब आप जो लोग दिन में क्लास में बैठे थे, तो जिन्होंने, मैं आगे आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, पॉलिटी वॉलिटी आपका बैकअप शुरू हो रहा है, सारा कुछ होगा, बट टूडे वेन यू सेट इन द क्लास यू न्यू अबाउट द फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है ना? तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग। कि हमें एक बार ये अगर हो गया कि हाँ मतलब ये है हमारी ब्रॉड पिक्चर। एक चीज और,
मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस दैट वी आर गोइंग टू सी, डू यू नो व्हेन यू नो सिलेबस, मतलब बिल्कुल इनसाइड आउट, मतलब यू नो कि हाँ जीएस पेपर वन में लिखा है अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, यू नो जीएस पेपर वन में लिखा है वुमेन रिलेटेड इश्यूज, होता क्या है जानते हैं, यू हैव कंपार्टमेंट्स इन योर ब्रेन। जैसे ही मतलब एक बहुत छोटा सा बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूं, me and my friend were going somewhere, matlab we were going on a trip, we both used to prepare together, so matlab we saw something written on a back of truck, theek, truck ke piche kuch likha hua tha, matlab mahilaon se related likha hua tha ki mahilaon ka matlab uska jo main jo motto tha wo ye tha ki hum apni jo women hain hum unko bahut zyada samman karte hain unka kind of, theek hai, to मतलब व्हेन यू लुक एट दिस यू नो दैट द कल्चर ऑफ दिस एरिया पुट ह्यूज एम्फेसिस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड व्हेन यू सी समथिंग, सपोज यू आर वाचिंग अ सीरीज ऑन ट्राइब्स ऑफ इंडिया, सपोज यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर जिसमें से वो ट्राइब्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, आपका ब्रेन अपने आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ओके आई कैन गिव दिस एग्जाम्पल इन वुमेन रिलेटेड इश्यूज, I can give this example in urbanization, I can give this example in internal security. This automatic processing is important and it only happens when you have those compartments ready in your brain. My first call, if you are a serious aspirant, memorize syllabus by heart. Wherever you are studying, wherever you are staying, you must have syllabus everywhere in your room. आप फोन में पढ़ रहे हो, आपके फोन में syllabus होना चाहिए, आप रूम में पढ़ रहे हैं, आपके रूम में syllabus होना चाहिए, हर सराउंड योर सेल्फ विद दीज थिंग्स जो मैं आज इन पर हम बात करेंगे, ठीक। आपके लिए एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत आसान हो जाएगा और आपको एग्जाम्पल्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई वुमेन्स इन इंडिया हैव बीन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज बीन नाउ इंप्रूविंग, सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, यू नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गो, यू नो कि भाई हमारे यहाँ टॉयलेट बन रहे हैं, यू नो कि भाई हमारे यहाँ मेटर्निटी रिलीफ बेनिफिट एक्ट आ रहा है, यू नो कि हमारे यहाँ पे पेरिटी पर चर्चा हो रही है, तो these examples when you read newspaper and you have that compartment in your brain to bahut aasan ho jata hai. So first thing, first important call is memorize your syllabus and have your compartments ready in your brain. It will be cake walk for you. Theek, fir the nature and standard of questions in the general studies papers will be such that a well educated person will be able to understand them without any specialized study. The questions will be such as to test a candidate's general awareness of a variety of subjects which will have relevance for a career in civil services. Now if you read it, what they are saying, this line is of great importance, which will have relevance for a career in civil services. मतलब उनका उनका जो कहते हैं ना, उनका व्यू जो है वो बड़ा क्लियर, वी वॉन्ट यू टू गेट सेलेक्ट, मतलब वी वॉन्ट यू टू प्रूव दैट यू आर सिविल सर्विस वर्दी, आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, एंड द बेस्ट थिंग A civil servant must have is awareness of things happening around you. अगर आपके पास में awareness नहीं है तो फिर आप गड़बड़ चल रहे, इसीलिए पूरे मेंस में सवाल कैसे बनते हैं, आइए आप सवाल कैसे बनते हैं दिखाता हूँ। अब आपको पता है कि हमारे जो फार्म लॉज है वो भी न्यूज में चल रहे थे, मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया,
एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद वीट और राइस सिस्टम, ठीक है ना, और इरिगेशन सिस्टम्स। जो न्यूज में चल रहा होगा दे विल आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन देम। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस चल रहा था, कोविड-19 आया, तो कोविड-19 पे उन्होंने 3 से 4 सवाल बाकायदा पूछे। तो ये बात बहुत बिल्कुल पकड़ करके चलिएगा। अभी आपने देखा सीए लास्ट टाइम आया था हमारे यहाँ, तो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हुए थे, तो उन्होंने म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला पूरा इन्होंने सवाल पूछ लिया, ठीक। तो जो कुछ भी न्यूज में होगा सवाल वहीं से बनेंगे। हाँ सब होगा, अलग तरीके से होगा, रिपीट कुछ नहीं होता। एक आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये छत्तीसगढ़ में जो हुआ है तो आप मान के चलो कि नेशनल सिक्योरिटी का जो सवाल है वो बनेगा, ठीक है। फिर अब पूरे यूपीएससी के नोटिफिकेशन की सबसे बेहतरीन लाइन है, द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट इश्यूज। मतलब हमारे आसपास जो चल रहा होगा, जो रेलेवेंट इश्यूज हमारे आसपास होंगे, उनकी जो हम हाउ मच डू वी अंडरस्टैंड दोज इश्यूज एंड देन एबिलिटी टू एनालाइज। When I ask people ability to analyze, what is this analytical skills? Space SG वाला है डॉक्यूमेंट वो भेज दो। What is this ability to analyze? एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ये हमारा एस्से का पेपर है, राइट? ये हमारा एस्से का पेपर है। अब कोई भी उठा लो, मतलब कोई भी टॉपिक उठा लो, मान लो ये उठा लेते हैं, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम। शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज पुष्पेंद्र, बताता हूं, भेज दिया तुमने, ठीक है। मतलब नाउ एनालिटिकल स्किल्स पर आते हैं, ये क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एस्से आता है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास में कोई एस्से आता है, तो हम कैसे, या कोई भी हमारे पास में क्वेश्चन आता है तो हाउ डू वी एनालाइज दैट क्वेश्चन। एक ये छोटा सा मेथड है स्पेस HG, ठीक। कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को एनालाइज करने के? एस फॉर स्पेस, एस फॉर स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजिक, एस फॉर साइंटिफिक, एस फॉर सोशल, एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर सब्सिडी, एस फॉर सस्टेनेबिलिटी, एस फॉर सोवर्निटी। नहीं हो पाएगा, ठीक। इतने एस्पेक्ट हमारे पास में है एस के, मतलब अगर हम कोई ऐसे हम लिखने जाते हैं तो हम एक ऐसे को कितने पैरामीटर्स पर सोच सकते हैं? बहुत छोटा सा चीज है, मान लीजिए, चलो एक बार मैं पहले पढ़ा देता हूं, फिर एस के बाद पी, पी फॉर पेट्रियार्की, पी फॉर पॉलिटिकल, पी फॉर साइकोलॉजिकल, पी फॉर पॉवर्टी, पी फॉर परंपरा कल्चर, ए फॉर एक्सेसिबिलिटी, ए फॉर अफोर्डेबिलिटी, ए फॉर एग्रीकल्चर, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ए फॉर ऑटोनॉमी, ए फॉर एस्पिरेशन, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी फॉर कंप्लायंस, सी फॉर कंस्टिट्यूशन, सी फॉर कंजम्पशन, सी फॉर सिविलाइजेशन, सी फॉर कॉपरेशन, सी फॉर क्लाइमेट, सी फॉर कल्चर, सी फॉर कोलेबरेशन, सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर कंपटीशन, सी फॉर कैलेमिटीज, सी फॉर करप्शन एंड क्राइम। क्या
E for ethnicity, E for education, E for economy, E for ethics, E for entrepreneurship, E for environment, E for export, E for efficiency, H for harmony, H for hunger, H for health, H for history, H for house, hazard, humanity, hegemony, and G, global standing, gender, global value chain, geopolitics, globalization, geography, global consciousness, global institutions, governance, global warming. सोचिए अगर आपके पास में किसी भी टॉपिक पर इतने एस्पेक्ट्स हों लिखने को, सोचने को, लिखने को तो मैं बात नहीं कर रहा, अगर आपके पास में इतने एस्पेक्ट्स हों सोचने को और उसके बाद आप पर सवाल आए सिर्फ डू नॉट सिंक because of water around them, ships sink because of water that gets into them. Clearly you can see, you can quote example of internal security, you can quote example of geopolitics, you can quote example of polity, you can quote example of culture and history. Simplicity is the ultimate sophistication. मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको पेट्रियार्की वगैरह बताया, पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. जितने पैरामीटर्स बताए उनके एग्जांपल सोच करके हम आप लिख सकते हैं. कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव. मतलब आप सोचो एग्जाम, आप जो लोग अभी नए हैं उनको तो ये बहुत वेग लग रहा होगा, but when you will start classes, when you will start reading states, when you will read example of tribes, when you will do tribes of India playlist, maybe Bharat playlist, when you do parampara, these things halwa ho jayenge. So why they, acha kabhi socha hai, matlab anybody, matlab what do you think aise wo kyun poochte hain? Why? मतलब क्यों, मतलब ऐसे क्यों पूछना है, क्यों ऐसे क्यों लिखवाना है किसी से ऐसे बताइए. कितना पहला जवाब, कितना मल्टी डायमेंशनली सोच सकते हो, और एसए का पेपर 1991 में इंक्लूड किया गया था यूपीएससी में, और एसए इंक्लूड करने का कारण यह था कि द काइंड ऑफ थिंग्स यू सी, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो कोई भी इस तरह की पॉलिसी जो आप खुद बनाते हो, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, सो यू मतलब ब्यूरोक्रेट्स राइट दोस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, राइट. सो जब हम इस तरह के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो वी मस्ट बी एबल to write it in a way कि कोई भी उसे पढ़कर के समझ सके. आपको पता है ऐसे वो इसलिए पूछते हैं कि कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप कितना ले मैन को समझा पाते हैं. Never ever make a mistake of writing very flowery, very difficult English or writing very complex things in essay. Essay is all about simplification. आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना भी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट पढ़ लो, चाहे वो साइंस पर हो चाहे किसी पर हो, उसको उसकी जो डॉक्यूमेंट जब शुरू होता है या डॉक्यूमेंट जो आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि कितना भी कठिन हो लेकिन बहुत सरल तरीके से समझाया गया. दैट इज वाई एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव एग्जाम्पल्स यू आर डूम्ड, बी इट जीएस बी इट एसए. ठीक, तो वो ध्यान रखिए. तो जब हम एसे की बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये हमारा रामबाण है, कहाँ गया, ये हमारा रामबाण है, कह सकते हैं. हाँ नहीं, ये बना हुआ है, मतलब धीरे धीरे ये आगे बढ़ा है. ठीक है, पहला जब बैच था 5-6 साल पहले, तो जब मैंने पहली बार स्पेस एसजी बताया था तो उसमें इतने पैरामीटर्स नहीं थे, इसमें 15-20 पैरामीटर्स ही थे. आज देखो तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि 70-80 हो गए हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इतना मल्टी डायमेंशनल वो धीरे धीरे ही बनता है. ठीक है ना, खैर
ये कैसे यूज होगा हम आगे देखेंगे, स्पेस एनर्जी, ठीक है। फिर दो, आठ में दो, ठीक है। नहीं, ये कौन बोला तुमको? अरे वहां पे ऐसे थोड़ी होता है, खेल है भाई, तो लैंग्वेज देखते हैं। कुल मिला के हमको, हमारे लिए जो एसए का जीएस का पेपर, ये एक लड़ दिला दो बीच, हमारा जो एसए जीएस का पेपर है वो इन आठ एसए में हमें कोई दो एसए लिखने होते, ठीक है। अबे भैया लाइट, हाँ ठीक बोल रहे, ठीक। फिर एंड टेक अ व्यू ऑन कंफ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। द कैंडिडेट्स मस्ट गिव रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सक्सिंक्ट आंसर्स। अगेन टेक अ व्यू ऑन कंफ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक। अच्छा, सो वी वर हियर, एबिलिटी टू एनालाइज। स्पेस एजी के बाद एनालिसिस में कोई दिक्कत होगी है? मतलब आपके पास में इतना ब्रॉड फ्रेमवर्क होगा एनालिसिस का, इट विल बी केक वॉक फॉर यू, राइट। एंड टेक अ व्यू ऑन कंफ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स, राइट। कोई भी अगर हमारे पास में इश्यू आ रहा है तो ऑब्वियस, जैसे सपोज दे विल आस्क एसेज और आंसर्स ऑन एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, कि भाई डेवलपमेंट इज ऑल्सो योर नीड, बट इफ यू डू टू मच डेवलपमेंट एनवायरमेंट इज इन डेंजर, राइट। So they will ask these conflicting things where you have to tell pro and cons of both sides and then go on Buddha's way. What was Buddha's way? Madhyama Pratipada, middle path, बीच में। ध्यान रखिए दो चीजें, अगर वो कह रहे हैं कंफ्लिक्टिंग है, हम फिर भी उनको कॉम्प्लीमेंट्री बताएंगे, एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। मणिपुर में ट्राइब्स हैं जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल रूप से डेवलपमेंट कर रही हैं, उत्तराखंड में लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, सिक्किम में लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, हरियाणा में लोग न्यूट्रीशियस और ज्वार बाजरा क्लाइमेट के हिसाब से करके प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में लोग चिलीज क्लाइमेट के हिसाब से करके प्रॉस्पेरस हो रहे हैं। हम बताएंगे कि नहीं, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो करके भी प्रॉस्पेरिटी संभव है, ये एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ये हो रहा है। दैट विल एड वैल्यू, दैट विल सब्सटेंशिएट योर स्टेटमेंट। नहीं, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि दे विल ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर क्रिटिकली एनालाइज फलाना, ठीक है ना। तो वी सी द बेसिक थिंग ऑफ आंसर राइटिंग इज योर ऑप्टिमिज्म। आप जितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगे, आप जितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगे उतना ही बेहतर तरीके से आप काम कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्टिमिज्म झलकना चाहिए आपके आंसर से, ऑप्टिमिज्म जो है वो झलकना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऑप्टिमिज्म रियलिटी से लिंक हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल्स दो। ऑप्टिमिज्म का रियलिटी से लिंक हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जाम्पल दो, क्योंकि अगर ऑप्टिमिज्म का रियलिटी से लिंक नहीं होगा तो हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कैसे होंगे? वेग एग्जाम्पल्स होंगे। और हमारे एग्जाम्पल्स का रियल, मैं आपको नीति आयोग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो क्यों पढ़ाता हूं, इसीलिए तो। नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस आप क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए, वो उसमें एग्जांपल्स दिए क्यों? इसीलिए, एग्जांपल्स हमारे पास तगड़े होने चाहिए, ठीक। आगे, द कैंडिडेट्स मस्ट गिव रेलेवेंट। रेलेवेंसी कैसे आती है? एग्जांपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस। एग्जांपल्स कैसे मिलते हैं? ट्राइब्स ऑफ इंडिया प्ले लिस्ट, मेरी भारत प्ले लिस्ट, आपका परंपरा प्रोजेक्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ भारत, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, स्टेट की प्लेलिस्ट, स्टेट की जो पीडीएफ हैं, नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल्स का खजाना है।
और जितने एग्जाम्पल्स होंगे उतना बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे। और बताओ। बिल्कुल डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन हमें ट्राइब्स का एक बेसिक एक थीम पता चल जाता है, ठीक है ना, वो ध्यान रखिए। पुष्पेंद्र, गवर्नमेंट की वन बंधु कल्याण देखिए। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लिटिल मोर अबाउट हाउ सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, कांट थिंक ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। भाई आप इसको एक नॉर्मल उससे सोचिए, मतलब फ्रॉम ट्राइबल्स टू एग्रीकल्चर एवरीवेयर यू कैन सी। भाई आप एक सोचो, वी आर नाउ गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, डू यू नीड एनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? काउ इज द सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत कृषि विकास योजना। ट्राइबल्स के डेवलपमेंट में डू दे नीड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी? नो। वन बंधु कल्याण योजना, दे नीड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज, अकॉर्डिंग बेस्ड रूटेड इन देयर जल जंगल जमीन, रूटेड इन देयर कल्चर। वी आर प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री, डू यू नीड सोफिस्टिकेशन टू प्लांट ट्रीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड? वी आर प्रमोटिंग हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, जो हाइपर लूप आ रहा, जो 700 की स्पीड से चलता है, मतलब जो एक हमने हाइपर लूप टेक्नोलॉजी लाई है ना, मतलब जो जिसमें जो मैक्सिमम स्पीड है, इट इज अराउंड 70-100 KMPH। नाउ थिंक अबाउट सिंप्लिसिटी, दे हैव क्रिएटेड वन वैक्यूम ट्यूब एंड अंडर दैट दोस पॉड्स विल मूव। सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, रिमूविंग एयर रेजिस्टेंस। तो कोई भी आप उठा सकते हो, आप सोशल जाओ तो ट्राइबल मिलेगा, आप एग्रीकल्चर पे जाओ, एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आ जाओ। व्हाट दे हैव सेड, दे हैव सेड वी विल मेक पीपल, वी विल मेक स्टूडेंट्स रूटेड इन द कल्चर व्हाइल बीइंग 21st सेंचुरी रेडी। दे हैव सेड दैट वी विल मेक आवर एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट फ्रेंडली, स्टोरी बेस्ड लर्निंग कराएंगे। एवरीवेयर यू कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आइडिया इज, दिस इज वॉट एनालिसिस और एनालिटिकल स्किल्स लुक लाइक। और अगर आओ तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज वेरी मच फॉलोइंग दिस, ठीक है, गाइडेड बाई योर प्रायोरिटीज। हम जहां जाते हैं हम उनसे कहते हैं भाई आपकी अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम देखेंगे कि आपके साथ हमारे कन्वर्जेंसेस हैं या नहीं। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ जनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट वर्ड इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब क्या है? व्हाट एवर दे आर आस्किंग इन क्वेश्चन, गिव आंसर टू दैट, बी वेरी क्वेश्चन सेंट्रिक, दैट इज व्हाट मीनिंगफुल इज, एंड सक्सिंक्ट आंसर्स, योर आंसर्स मस्ट बी समराइज्ड, दे मस्ट बी डेंस। डेंसिटी इज हॉलमार्क ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। इफ यू डोंट हैव डेंसिटी इन योर आंसर्स, बहुत मुश्किल है कि आप आगे बढ़ पाए। ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं जीएस के सिलेबस पर। अब आप अगर सिलेबस को हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। पहला इज स्टैटिक पार्ट, जैसे कि इंडियन कल्चर विल कवर सेलियंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, एंड देन देयर इज डायनेमिक पार्ट, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स, देयर रेमेडीज, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, और फिर उसके बाद फिर स्टैटिक आ जाता है, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल दैट। दो चीजें समझनी है, आजकल का ट्रेंड क्या है,
क्वेश्चंस, चाहे स्टैटिक क्यों हो चाहे डायनेमिक क्यों हो, बनते करंट से ही। क्वेश्चंस चाहे स्टैटिक से हो चाहे डायनेमिक से हो, बनते करंट से ही। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बताए दे रहे हैं। अगर इस साल दांडी यात्रा का एनिवर्सरी चल रही है 100th, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दांडी यात्रा। जब 25th एनिवर्सरी थी 1991 रिफॉर्म्स के, तो उसपे क्वेश्चन आया था। व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का 100वां साल हुआ था, तो उसपे क्वेश्चन आया था। सुभाष बाबू को जब ये बोला गया कि सुभाष बाबू को जो है वो उनके नाम पर सब वापस से मेमोरियल्स वगैरह बनाए जाएंगे, और वो जब नेशनल उसमें आ गए तो उनपे क्वेश्चन आया। जब आप देखते हो कि कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं अर्बन फ्लड आ रही है, कहीं पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, गवर्नमेंट डेजर्टिफिकेशन पर कोई काम कर रही है, तो एक्सपर्ट की ज्योग्राफी में उन पर क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, कुछ इस तरह का हुआ है, तो गवर्नर अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ हो रहा है, उन पर क्वेश्चन आएगा। तो क्या हम बाकी चीजें ना पढ़ें? नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ेंगे हम सब। लेकिन देयर इज दिस सिक्स्थ सेंस वेयर यू नो कि इट इज मोर लाइकली कि इस साल इससे सवाल बनेगा। और एक छोटा सा हैक है, पूछो क्या, इफ यू एनालाइज द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, यू विल सी फेडरलिज्म के टॉपिक से हर साल 2 से 3 सवाल बनते हैं। यू विल सी 73rd, 74th, यानी कि पंचायती राज से हर साल 2 से 3 सवाल बनते हैं। यू विल सी एग्रीकल्चर, हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी से हर साल 150 से 200 नंबर के सवाल बनते हैं। यू विल सी इंटरनेशनल रिलेशन से हर दूसरे साल एक एस्से मिलता है। यू विल सी IR से हर साल 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। वी कैन फाइंड दीज थ्रस्ट एरियाज, ऐसे एरियाज जहां पर हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ऐसे कॉमन एरियाज हैं जहां से सवाल बन रहे हैं, और वी कैन वर्क ऑन दीज थ्रस्ट एरियाज। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर अब यहां पर एक छोटा सा पत्ता और खोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्टार्ट, जब हम करेंगे तो हम IR से स्टार्ट करा हमने, क्यों, आइए दिखाते हैं। क्या अब तुमने तो बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, ये देखो जुड़ी, सो पहली चीज क्या बोल रहे हैं, COVID-19 एंड WHO। दूसरा इंडिया एंड यूरोप एंड इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। नीचे आएंगे तो क्वाड और इंडिया और रशिया, यानी कि 15-15, 30 और ऊपर के 20, 50 नंबर यहां से हो गए, ठीक है ना। और 50 के बाद आप यहां चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, 125 मार्क्स ये हो गए, यानी कि 175 मार्क्स का वेटेज पिछले साल IR को था। भाई साहब कितना, 175, ठीक। आप सोच के देखो, ठीक। फिर जरा कल्चर पर देखते हैं, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। जरा जीएस पेपर 1 से शुरू करें, अभी आपको मैंने मॉन्यूमेंट की बुक दी है, दिए या नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, पाल पीरियड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया।
अब जिन लोगों के पास में बुक्स गई है नागार्जुन कुंडा और इधर की और सारनाथ वगैरह की, हलवा है उनके लिए सवाल। इसके ऊपर वाला पढ़ो, द रॉक आर्किटेक्चर, अजंता एलोरा और कैलाश की बुक जिनके पास में गई है, सीधे सीधे आपके पास सवाल है। मैं बहुत छोट मतलब मैं पर हम ना ये समझ नहीं पाते भाई साहब। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैंने बुक्स आपको दी, ठीक, कुछ नहीं है, 15-20 छोटी छोटी पतली पतली किताबें, आप पढ़िए, पढ़ के समरी बनाइए, उनको रिवाइज करिए। कल्चर के कभी भी जितने भी सवाल आ सकते हैं वो सब खत्म, ठीक। तो 20 नंबर का कल्चर यहां से हुआ, फिर आप फिर आइए ये हाउ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चर इंडियन सोसाइटी, ठीक। उसके बाद डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कंसिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस, ठीक। फिर उसके बाद इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। फिर उसके बाद पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडाइवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, यानी कि 30 और ऊपर के 30 कितने हो गए, 60 नंबर, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्योरेंटिज्म, डू यू एग्री। और उसके ऊपर भी डाइवर्सिटी एंड ट्रिज्म इन इंडिया अंडर 32 ग्लोबलाइजेशन, और एक एसे 125 नंबर का, ठीक। अभी सिर्फ इतना हो ऐसा भी नहीं है, पेपर फोर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ो, द करंट इंटरनेट एक्सप्लोजन हैज इंस्टॉल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज व्हिच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज। 10 नंबर ये और हो गए, 195 मार्क्स कल्चर। अब आप सोच के देखो, सुबह से शाम तक जो ज्ञानबाजी हम लोग यहाँ करते हैं, जो आपको कई बार लगता हो कि भाई मतलब कल्चर कल्चर के पीछे पड़े हैं, या जैसे मैंने आपको भी फिबोनाची नंबर को उससे जोड़ा था उस दिन महामृत्युंजय यंत्र से, ठीक है ना। तो मतलब एक बहुत छोटी सी चीज है, यूपीएससी बहुत बुरी तरीके से इवॉल्व हो रही है। अच्छा ठीक है, यूपीएससी जो है वो बहुत तगड़े तरीके से इवॉल्व हो रही है। ओ, और आप लगातार देख रहे हो इंडिया राइजिंग यूपीएससी की थीम है, ठीक। इंडिया राइजिंग जो है वो लगातार यूपीएससी की थीम है, और इंडिया राइजिंग में कल्चर और इंडिया की ग्लोबल पोजीशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर आप ध्यान दो तो एक और ऐसे लगभग है जो कल्चर से ही जुड़ा है, पेट्रियार्की का, ये दिख रहा है, पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ठीक। और एक और अभी चीज है, लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन सॉरी बीइंग ह्यूमन, ठीक। ये क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो कल्चरल एस्पेक्ट है। अब बात क्या है, आज जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें सब में एक इनहेरेंट कल्चरल एस्पेक्ट होता है। आई विल शो यू समथिंग, क्या ये एनईपी का डॉक्यूमेंट है, ये दिख रहा है, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट एंड कल्चर, ठीक। अब इसमें जो कुछ लिखा है वो हर एक क्वेश्चन में सजेशन की तरह यूज हो सकता है कल्चर वाले। इसे मैं कह रहा था शुरुआत से, इंटरकनेक्टेडनेस। लोगों को जब ये कहा जाए, जैसे आप जब आओगे तो मैं आपको एनईपी पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा इसी डॉक से पढ़ाऊंगा, कहीं और कुछ नहीं, कोई देनाराम छेनाराम वो समरी 2 पेज की नहीं। जब आप इस डॉक्यूमेंट से नीति पढ़ोगे तो आप जितने आप कल्चर के सवाल देख रहे हो, यू विल बी एबल टू रिलेट विद देम, विल बी एबल टू गिव एग्जांपल्स, ठीक। और एक छोटी सी चीज,
ये डॉक्यूमेंट खोला है तो अच्छा, आज अगर आप सवाल देखो तो गवर्नमेंट के पॉलिसी डॉक्यूमेंट से बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, और गवर्नमेंट के पॉलिसी डॉक्यूमेंट से सवाल बनने का कारण क्या है साहब? गवर्नमेंट हाउ के पॉलिसीज निकाल रही है, जरा ये पढ़ना एक बार लाइन, जरा क्या लिखी है जो हाईलाइटेड है, क्या कह रहा? बताओ हाँ, से शुरू होगी। मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल। अब आप सोचो, कोई भी इनका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, कुछ भी उठा करके देख लो, और एक छोटी सी चीज दिखाता हूं आपको। जनता फ्लक्चुएट करती हुई, अब जैसे ये नीति आयोग का एसडीजी इंडिया डैशबोर्ड, ठीक, जिसमें से दे हैव गिवन दी ये कि हम हर एक एसडीजी पर क्या कर रहे हैं, ये है ना, हम हर एक एसडीजी पर कर क्या रहे हैं? No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality. अब मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोगों तक खैर एसडीजी मान लो याद हो गए, का एक था बताओ, सामने लिखा है। अच्छा चलो रुक जाओ, ठीक, अब आप ध्यान दो तो नो पॉवर्टी जीएस पेपर वन में, पेपर टू में भी है, जीरो हंगर पेपर टू में है, पेपर वन में भी इनहेरेंटली है, गुड हेल्थ पेपर टू में है, एजुकेशन पेपर टू में है, जेंडर इक्वेलिटी पेपर वन टू दोनों में है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पेपर वन टू थ्री तीनों में आता है, पॉलिसीज फॉर वल्नरेबल सेक्शंस पेपर टू, और अर्बनाइजेशन इंडियन अरे पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज जीएस पेपर वन, और एनवायरमेंट पेपर थ्री, और क्लीन सॉरी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जीएस पेपर थ्री, एनर्जी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पेपर थ्री, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पेपर थ्री, रिड्यूस इनइक्वालिटीज वन टू थ्री फोर, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज जीएस पेपर वन, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, और सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन वन टू थ्री फोर सब में आएगा। क्यों? सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन वेस्ट मैनेजमेंट में भी आएगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भी आएगा, क्लाइमेट एक्शन पेपर थ्री और पेपर वन दोनों में आएगा, लाइफ बिलो वाटर वन टू थ्री तीनों में आएगा, लाइफ ऑन लैंड वन टू थ्री, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन क्वालिटी में आएगा जीएस पेपर टू। अब कहने का मतलब क्या है, ये एक थ्रेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक थ्रेड है जो जीएस के चारों पेपर्स को आपस में बांध रहा है। मैंने पहली लाइन कहां से शुरू करा था, इंटरकनेक्टेडनेस। व्हेन यू फिनिश दिस सेशन ऑफ टू आवर्स, द बिगेस्ट लर्निंग शुड बी इंटरकनेक्टेड, because if you have threads to bind it, if you have common examples, if you have common threads to bind it, you will be able to write any kind of question. सवाल ही कोई दिक्कत पैदा ही नहीं होती है, ठीक, आगे आइए। पेपर टू का सवाल, पेपर टू का पहले तो स्टैटिक पोर्शन है, पूरी की पूरी पॉलिटी है। अब आज आप जैसे आप लोगों ने आज फेडरलिज्म पढ़ा, मान लीजिए नॉर्मल आप आए डोलते हुए, बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं जिनका कोई और सब्जेक्ट एकदम पक्का नहीं है वो पॉलिटिकल्स, गवर्नमेंट पब्लिश दिस बुक एवरी ईयर सो वी हैव टू मेक ऑल ऑफ देम। स्वागता, विच वन, नीति आयोग इंडेक्स,
SDG index. Saugata, are you talking about Niti Aayog's index? Yes. They publish it every year, but every year there won't be much change. The scheme, they tell what we are doing to achieve these sustainable development goals. Okay, here. Up on the optional part, you see huge convergences, huge convergences on political science and polity. पूरा का पूरा जीएस पेपर टू जो है वो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, ठीक, और इवन पेपर वन और पेपर थ्री के टॉपिक्स भी पॉलिटिकल साइंस में आते हैं. नाउ लेट्स फोकस हियर. यहां से रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, वेलफेयर स्कीम फॉर वनरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन. अब ये वनरेबल सेक्शन क्या है? वनरेबल सेक्शन का मतलब पुअर, वनरेबल सेक्शन का मतलब एल्डरली, वनरेबल सेक्शन का मतलब मेंटली रिटार्डेड, वनरेबल सेक्शन का मतलब फिजिकली चैलेंज्ड, वनरेबल सेक्शन का मतलब चिल्ड्रन, वनरेबल सेक्शन का मतलब ट्रांसजेंडर्स, वनरेबल सेक्शन का मतलब एचआईवी एड्स से पीड़ित लोग, वनरेबल सेक्शन मतलब टर्मिनली इल पीपल, वनरेबल सेक्शन का मतलब डिजास्टर से पीड़ित हुए लोग. और सैडली वेमेन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी वनरेबल सेक्शन विच इज अज एनोमली. ट्रांसजेंडर्स इसलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर्स आर ऑफन वेरी मार्जिनलाइज, ट्रांसजेंडर्स आर ऑफन वेरी मार्जिनलाइज, दैट इज वाई ट्रांसजेंडर्स. हाँ, सभी केस में ऐसा नहीं है, बट ब्रॉडली ये मतलब आज जो ब्रॉड रियलिटी है वो ये है. वुमेन तो फिर भी ठीक हो रही है. ट्राइबल्स, यस. आज हाँ, ऑब्वियसली यार इसे छोड़ देना चाहिए. ऑब्वियसली मतलब आप कौन होते हैं किसी का कपड़े पहनाने वाले हैं, उनका कल्चर है, ठीक है. आगे मतलब I don't understand this concept that what makes you think that your definition of development and tribal definition of development are same. They don't need your kind of development. They don't need this globalized marketed development of Pepsi and Puma or Reebok or ye Louis Vuitton jo snake leather se aur duniya bhar ke animals ko maar karke apne bags banata hai. They don't need this kind of development. उनका डेवलपमेंट क्या है भाई? उनके लिए तुम जा करके एक एक मार के दिखाओ, लुई वुइटन वाले मार के दिखाए ना, वो टांग दे अपने भाले पे, उनको सुखा दे, बिल्कुल पापड़ बना दे. कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी, राइट? एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? ऑल अराउंड ग्रोथ इज डेवलपमेंट, ठीक है ना? तो हाँ, बिकॉज गवर्नमेंट जब तक अपना डेवलपमेंट लेवल उन पर थोपती है तब तक मुश्किल होता है. आज हमने क्या कर दिया है? वन बंधु कल्याण योजना. आज हमने क्या कर दिया है? उनको हम लैंड राइट्स दे रहे हैं, आज हम उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं. हम कह रहे हैं लिव अपहोल्ड योर कल्चर. पहले क्या हो रहा था? पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनिटी और इस तरह के कन्वर्जन्स में चेंज कर दिया गया, उनका पूरा कल्चर खराब कर दिया गया. इट इज नॉट अबाउट वन रिलीजन, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट यू यू स्नैच देयर कल्चर, ठीक है ना? तो वो चीज है. आगे फिर इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉवर्टी, हंगर, गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, और फिर पूरा आईआर आ जाता है, ठीक. अगर आप ध्यान दो तो ये वो डायनेमिक एस्पेक्ट है जहां से हर साल बहुत सारे सवाल निकलते हैं. एंड व्हाट इज द हाउ यू टैकल इट? कभी सोचा है हाउ यू टैकल इट?
कोई इसका स्टैटिक वो तो है नहीं। जैसे लोग मेरे से पूछते हैं सर आईआर की कौन सी बुक ले लूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आईआर की कोई बुक नहीं है। इंडिया वे हम पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया वे का भी एक प्रिकर्सर है। मतलब इंडिया वे पढ़ाने से पहले भी मैं आपको जो है वो शिफ्टिंग कंट्रोल्स वगैरह ये सब पूरा पढ़ाता हूँ, तब आप इंडिया वे पढ़ पाते हैं। क्योंकि आईआर डेली चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस डेली चेंज हो रहे हैं। तो यू नीड, मतलब वेन एवर यू यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, अगर हमने पहली बात बोली थी आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने की, तो दूसरी चीज जो मेरी है वो ये है कि अंडरस्टैंड हाउ टू रीड, लर्न हाउ टू लर्न। द फर्स्ट क्लियर थिंग इज लर्न हाउ टू लर्न। ठीक, जैसे वो अभय से तुम्हारे बात कर रहा था मैं, तो सर मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने कहा भैया सोचो मत, ठीक है ना। खैर, तो लर्न हाउ टू लर्न, ठीक है। फिर आगे पेपर 3, अगर यूपीएससी में कोई पेपर सबसे खतरनाक माना जाता है वो पेपर 3 है, बिकॉज इट कंटेन्स 100% डायनेमिक टॉपिक्स, 100%। यहाँ की इकोनॉमी भी स्टैटिक नहीं है। क्यों? आइए मैं इकोनॉमी पे का सवाल दिखाऊं। ये अपना वॉलपेपर बना लो भाई लोग, दिख रहा है बिल्कुल रटा होना चाहिए ये। एसडीजी नहीं है तो प्रिपरेशन नहीं है, बिल्कुल एकदम मतलब क्लियर बिल्कुल बात बता रहे हैं। क्या कह रहा है? अभी बेचारे जो नए लोग हैं इनको यही बताओ कि भी यही पढ़ना है, फिर धीरे धीरे ठीक है। तो वो ध्यान रखिए, जैसे पुष्पेंद्र कह रहा है रटा हुआ है, अरे बहुत लंबी यात्रा है भाई, अभी एक जागृति कह रही है टेक्स्ट मी पर्सनली आई टेल यू, ठीक है। तो इसके 169 टारगेट्स हैं जो क्लास में कराए जाएंगे, रटवाए जाएंगे, परेशान मत हो, लिखवाए जाएंगे। ठीक किसी ने क्लास ही है, छोड़ दी ये सुन के। अरे अच्छा कौन है वो महानुभाव? श्रुति है वो तो कह रही हाँ हाँ ये तो मुश्किल काम है। चलो आगे, ठीक है। नाउ जीएस पेपर 3 इज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक थिंग, और आप ध्यान रखो सबसे ज्यादा जीएस पेपर 1 आप एग्जाम से पहले बहुत कर सकते हो, जीएस पेपर 2 आप एग्जाम से बहुत पहले कर सकते हो, लेकिन जीएस पेपर 3 जो है उसमें आपको, जैसे मान लो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, इसमें मैं आपको एक हफ्ता लगाऊंगा ये करा दूंगा, इकोनॉमी में मैं एक हफ्ता लगाऊंगा करा दूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो ना, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेली पीआईबी से हो रहा होता है। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ये पूरे टॉपिक लगातार ये पीआईबी से हो रहे होते हैं। डेली हम जब पीआईबी में पढ़ेंगे, जैसे आज हम देखेंगे, जो हम पीआईबी में पढ़ेंगे वही जहां पर हमारा अपने आप नोट्स मेकिंग साल भर जो होगी वही हम आंसर लिखेंगे। मैं छोटी सी चीज दिखा देता हूं आपको, सवाल कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जैसे देखो, एनर्जी पे इन्होंने पूछा है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कंट्रास्ट टू दी कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। अब हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आईएसए वगैरह पर चिल्ला रही थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और पूरी दुनिया भर में बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये सवाल यहाँ से पूछ लिया। फिर जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इशू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सारे टारगेट सारे याद है, गोल्स नहीं, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट से याद है उसके लिए बहुत आसान है। फिर
define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? कोविड के टाइम पर न्यूज में चल रहा था तो आ गया. फिर साइंस के सवाल कैसे आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, हाउ इट इज हेल्पिंग इन हेल्थ. कल ही अगर आप ध्यान दें, कल के पीआईबी में ही क्या था, रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो एक नैनोमीटर इशू लॉन्च कर रहे थे, नैनो स्निफिंग वाला वो, ठीक है. सारा का वो एजुकेशन में था सर. हाँ, मतलब मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि ऐसे आर्टिकल्स डेली आपके आते रहेंगे कि हाउ इट इज हेल्पिंग इन एजुकेशन हेल्थ और सारी चीजें. तो सारा का सारा जो है वो आपका मामला पीआईबी से चलेगा. जैसे ये है, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइफ्स, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी. ये भी पीआईबी के ही आर्टिकल से निकला हुआ सवाल है. अब जनता करती क्या है, पिछले 3 साल से यूपीएससी ने अगर एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया है वह है द हिंदू. एक क्यों, क्योंकि द हिंदू जो है वो लोगों को बिल्कुल एकदम गंदा लेवल का पेसिमिस्टिक बनाता था, वो ये आर्टिकल वर्टिकल नहीं देते थे, ठीक है. और वो सीधा अब इन्होंने पीआईबी से उठाना चालू कर दिया यूपीएससी ने, ठीक है. तो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ये स्टेटमेंट की गलत है, हमसे पूछो पिछली बार का मेंस देखो, अनप्रेडिक्टेबल कतई नहीं है, दिस इज स्टुपिडिटी. आप जब हिंदू पढ़ोगे तो आपको यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल ही लगेगा, ठीक है. आगे आइए, खैर, सो लेट्स गो बैक. तो जो मैं आपको एक ब्रॉड थीम देना चाहता था एग्जाम की वो ये है. अब पहला काम आज के बाद आपका क्या होना चाहिए कि आपके पेपर फोर का सिलेबस, आप सॉरी पेपर 1, 2, 3, 4 का आपको सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है. अब जरा आगे बढ़ते हैं. नाउ लाइक आई टोल्ड यू कि इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए सिलेबस में. एक थ्रेड तो मैंने आपको एसडीजी का बता दिया जो इंटरकनेक्टेडनेस लाता है, दूसरा थ्रेड इज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल, एक छोटा सा बात बताता हूं मैं आपको. मान लो ये ऐसे है, पेट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. या मान लेते हैं कि ये ऐसे है, कल्चर इज वॉट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव. या ये से देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस. कोई भी इससे उठा लो आप. अब वापस आओ, लेट्स गिव अ कर्सरी रीडिंग टू द प्रीएम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली, मैं एक एक वर्ड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इट इज जस्ट वन कर्सरी रीडिंग, नॉर्मल बहुत दिमाग खोल करके पढ़ो भी. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political. हमने क्या कहा? We will secure to all its citizens justice, social, economic and political. जरा ये वाला ऐसे देखना. There can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. What we can say? From where we will start our essay. Our constitution makers, our forefathers envisioned an Indian society where threefold justice will be there. Social, economic and political. Or social or economic justice ki intertwining par hi essay. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Kuch nahi karna, phir piche jana. Essay padhna. Culture is what we are. Civilization is what we have. Culture is what we are today. The diverse Indian culture. From Kanyakumari, from Kashmir to Kanyakumari. Let's change this statement once and forever. From Karakoram to Kanyakumari. From Karakoram to Kanyakumari. Okay.
और फ्रॉम गुजरात टू गुवाहाटी, गुवाहाटी क्यों, मोईरांग जाएंगे हम, ठीक ठीक तो कहने का मतलब ये है कि इस लेंथ और ब्रेथ में जो कल्चर है हमारा, जो आज चीजें प्रेवलेंट है वो हमारा कल्चर है, जो कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव फ्रॉम 10,000 ईयर्स, फ्रॉम पास्ट 10 to 12,000 ईयर्स वी हैव डेवलप्ड एज अ सिविलाइजेशन। देयर आर, एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2015 में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो कंटेम्प्रेरी वो थी, मायन सिविलाइजेशन था या आपके जो बाकी लोग थे, ये खत्म हो गए, मेसोपोटामिया और ये सब खत्म हो गए, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन में आज तक कॉन्टिन्यूटी है क्यों? ये 2015 का सवाल है और बहुत तगड़ा शिफ्ट वहीं से मार्क हो गया था, ठीक है ना। तो व्हेन टुडे यू से सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव, इट इज ड्यू टू द वैल्यूज, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ लिबर्टी। वी हैव गिवन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड डू यू नो दैट दिस इज नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रिफ्लेक्ट्स आर लार्जर सिविलाइजेशनल वैल्यू, जहां पर हम बहुत ब्रॉड थे, जहां पर आजीवक संप्रदाय बौद्ध और जैन एक साथ रहते थे, जहां पर पृथ्वीराज चौहान देवी का उपासक, देवी दुर्गा का की पूजा करने वाला पृथ्वीराज चौहान जैन टेंपल्स बनवा रहे थे, जहां पर जो हमारा सनातन थॉट था, जहां पर चार्वाक दर्शन, एथीज्म और जो बाकी सारे रिलीजियस फेद हैं वो साथ साथ चल रहे थे। दैट वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट वैल्यू ऑफ लिबर्टी, आप देखिए लिबर्टी का लेवल क्या है, खजुराहो में जाइए, ठीक है ना, वो है लिबर्टी। जिस भी फॉर्म में आपको लोगों की पूजा करनी है वो है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कहां से आ रहा है सिविलाइजेशनल, ये जो सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव, सिविलाइजेशनल वैल्यूज पूछ रहे हैं, वो कहां से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर अ सबसेट ऑफ सिविलाइजेशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी देखी है कभी? कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें जो आपके फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है उसके ऊपर जो है श्री राम और हनुमान जी बने हुए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर हनुमान जी बने हुए हैं। तो दोज आर सिविलाइजेशनल वैल्यूज, राइट? नेक्स्ट, एडॉप्ट करने का कोई मतलब वो नहीं, ठीक है। खैर, देन इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटरनिटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जरा दो चीजों पर जाना, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। लेट्स कम बैक, पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वेलिटी, और हम बात क्या कर रहे हैं, इक्वेलिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। व्हेन यू गिव वुमेन हर राइटफुल डिग्निटी, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। इट इज नॉट ओनली कि आपको सिर्फ एसए में ही जाना है, कोई भी आप मेंस का सवाल उठा के देखो, नॉट मतलब नॉट कोई भी मान लो ये सवाल है, हैज कास्ट लॉट्स लॉस्ट इट्स रिलेवेंस, ठीक है ना, या मान लीजिए लास्ट का सवाल है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। तो कहीं पर भी आप ध्यान रखिए कि ये हमारा एक कॉमन, जब हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो वो हमारा एक ऐसी चीज है, अगर हम प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को तो सामने वाले को लगता है, कॉपी चेक करने वाले को लगता है, हिज थॉट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हिज थॉट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कल जब हम इसको उठाएंगे प्रियम्बल को प्रॉपरली, तो हम एक एक लाइन इसमें देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट, हु इज रिजॉल्विंग टू कंस्टिट्यूट इंडिया, वी द पीपल, हु इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल फॉर हूम लॉज शुड बी मेड,
We the people. We are the source of the power of constitution. And we are being ruled by the constitution. So constitution is made by us for ourselves. That is the true form, true spirit of democracy. अभी तक कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछो. प्रीएम्बल में डाल सकते हैं. सोशलिस्ट वर्ड हमने डाला, ये भी डाला, ठीक है ना. ये दो वर्ड हमने जो है 42nd अमेंडमेंट से डाले. तो नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, मैंने इसीलिए सुबह बोल रहा था कि व्हेन यू विल रीड डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग देयर, राइट. क्या तो ये अभी तक हमारा प्रीएम्बल का मामला हुआ. अब जरा हम चलते हैं पीआईबी की तरफ. यस, कितने लोग ऐसे हैं जो पीआईबी नहीं जानते हैं? पीआईबी है क्या, कोई ऐसा? कंटाप मार देंगे बहुत तेज. आज आपका लक अच्छा है, खराब है क्या? बड़े कम पीआईबी के आर्टिकल्स हैं. अच्छा है सर. अब जैसे अच्छा. मान लो क्या शिफ्ट क्या कह रहा है, बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा लग गया आज. चलिए आज शिफ्ट दर्द में तो है बेचारा. टूडे स्पेसिफिक कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथिक डे इनॉग्रेटेड टूडे. अब जैसे मान लो जब हम इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, फिर से हम वहीं जाएंगे कहां, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलेक्ट, ठीक. तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए. We must have a diary where you will send me every day the number of terms that you saw that you don't know. जैसे मान लो इस आर्टिकल में जाओ तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी दिख रहा है, फिर दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दिख रहा है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे दिख रहा है, नीचे जाओगे आईसीएमआर दिख रहा है. अब मान लो आपने मुझे चार टर्म भेजे कि सर ये चार टर्म आज आए थे, मैं बोलूंगा आपको सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी नहीं करनी है, मैं बोलूंगा वर्ल्ड होम्योपैथी डे नहीं करना है, मैं बोलूंगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नोट्स बनाने हैं, इसे पढ़ना है, आईसीएमआर आपको एक बार बता होना चाहिए, इससे सवाल बन सकता है. तो एवरी डे व्हेन यू विल सेंड मी दीज आर्टिकल दीज टर्म्स, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टर्म्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं. लेकिन ध्यान रखिए कि आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि इस तरह के आर्टिकल्स में से इंटेलेक्ट रिलेटेड बहुत चीज नहीं निकलती है, ठीक. इंटेलेक्ट रिलेटेड बहुत चीज नहीं निकलती है. देखो इंटरमेशन देखिए, ठीक है. इंटेलेक्ट रिलेटेड बहुत सारी चीज इस तरह के आर्टिकल्स में नहीं निकलती है. क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक प्रोग्राम्स, ये बॉल टू, ये इन्हें हम कहते हैं बॉल टू बॉल कमेंट्री, मतलब ये डेली 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 आ रहे हो. और जब कोई चीज डेली डेली आ रही होती है तो होता क्या है कि फिर हम उसे कब तक चेज करेंगे, ठीक है ना. तो इस तरह के जहां पर कोई कन्वेंशन हो रही हो, जहां कुछ इस तरह का हो रहा हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है. जैसे मान लो ये आर्टिकल है, पोलिंग इन फेस फोर असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन वेस्ट बॉल वेस्ट बंगाल कंडक्टेड टूडे. अगेन हमें मतलब नहीं है इससे, कहाँ पोलिंग हुई कहाँ नहीं हुई, क्या है क्या नहीं है, मैं मतलब नहीं. फिर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग खरीफ 2021 सीजन इन दी कंट्री.
अब गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, जब आप इसको पढ़ने जाएंगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी, क्या? द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब ये किसके अंदर आता है ये पता होना चाहिए पहले, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पता चलेगा कि ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। सोचो अगर मैं आपको ये मतलब अगर मैं आपसे सवाल दे दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इनमें से किस मिनिस्ट्री के अंदर अंतर आता है, और पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, 90% ऑफ यू विल टिक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर अलग से एक मिनिस्ट्री है, ठीक है? तो ध्यान रखिए, अब जैसे मान लो ये है तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये पी और के फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम एंड फॉस्फेट, फॉस्फोरस फॉस्फेट, ठीक है? तो वो जो फर्टिलाइजर्स हैं पी एंड के उन्हें कहते हैं, ठीक है ना? फिर अब जैसे इसमें इफको वगैरह आ रहा है, अगेन ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके 2 से 3 लाइन के नोट्स होने चाहिए, ये अगेन एक टर्म है, FAI, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जब आप मुझे भेजोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ इसके बेसिक नोट्स आपको आप बना लो। ना होता क्या है, वॉट एवर यू डू ईयरली, वॉट एवर यू डू ईयरली, जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो उसी से प्रिलिम्स के MCQs बनते हैं। तो MCQs ऑफ प्रिलिम्स आर फॉर्मड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है? आशीष आप ही मॉनिटरिंग रखे हो तुम। आप जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज है, खुल जाओ भैया, क्या लोगे खुलने का? हाँ इलेवेंथ राउंड ऑफ इंडिया चाइना कॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग। अब ध्यान दो, जब इस तरह का कोई आर्टिकल आए तो उसको आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये लगातार होता रहेगा, लगातार रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो बॉल टू बॉल कमेंट्री है, इसे नहीं पढ़ना है। अब जैसे मान लो इसमें शुरुआत में जब आप करोगे तो ईस्टर्न लद्दाख पढ़ लेना है, LAC कहाँ है वो पता होना चाहिए। तो सेम चीज डेली मैं आपको, एक तो क्या होगा कि ग्रुप पर आपके पास, टेलीग्राम वाले ग्रुप पर आपके पास आ जाएगा कि डेली ये आर्टिकल पढ़ने हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ये आर्टिकल डेली पढ़ने हैं, ठीक है? फिर जैसे ये बता रहे हैं क्यूमुलेटिव वैक्सीन कवरेज छोड़ देनी है क्योंकि डेली न्यूज आ रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति श्री रतन लाल कटारिया एड्रेसेस ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम वेबिनार। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ब्रिक्स। और अब ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना, ठीक? रुक जाओ, भी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना, ठीक? अभी भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना, मतलब ब्रॉड इश्यू वही है, वाटर, ठीक है ना? इवन फ्लड भी 15th का, और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना, ठीक? यानी कि वाटर स्कार्सिटी, डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है हर साल का, तो होगा क्या? कहाँ थे हम? जब कभी इस तरह का सवाल आए जहां पर हमारा कोई मिनिस्टर इस तरह का इंटरनेशनल फोरम वो कर रहा हो, तो उनके स्पीच से हमें ये अगेन इंटेलेक्ट हो गया, अभी समझ रहे हो? ये इंटेलेक्ट बेस्ड टॉपिक है कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने जो 2 3 4 उस तरह के पॉइंट्स बोले, तो
इनकी आप मुझे समरी बना के भेजो, इन आर्टिकल के नोट्स बनेंगे। अगर मान लो 100 लाइन का आर्टिकल है तो 1/10 में आप उसको समराइज करोगे, 10 लाइन 15 लाइन, और समरी बनाना इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ आंसर राइटिंग। यू विल टेल मी एवरी डे कि भाई आपने आज ये आर्टिकल्स की समरी बनाई है, तो उससे क्या होगा, आपको जो मेंस की स्कीम में लिखा था ना सक्सिंक्ट आंसर्स डेंस आंसर्स, तो वो डेंसिटी आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, अभी तक से उस वाले की ठीक है। सिक्किम एंड त्रिपुरा प्रेजेंट एनुअल एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन। त्रिपुरा प्लान्स टू प्रोवाइड 3.8 लाख टैप कनेक्शंस इन 2021-22 एंड 100% कवरेज बाय 2023। सिक्किम प्लान्स, तो हमें ठीक है ये लोग प्लान कर रहे हैं, हम एक बार इसको जनरली पढ़ लेंगे। जैसे इसमें एनएबीएल आ गया है, तो एनएबीएल के हमने नोट बना दिए। तो जल जीवन मिशन अब आप देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सवाल पूछ लिए गए जल जीवन मिशन पर और वाटर स्कार्सिटी पर। तो आप क्या कर सकते हो कि इनमें से दो दो लाइनें कि भाई हाँ सिक्किम एसेट के हम इस समय तक, त्रिपुरा एसेट की समय तक हम देंगे, यानी कि जल जीवन मिशन इज वेल ऑन कोर्स टू अचीव इट्स टारगेट। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें जो नोट बनेंगे ब्रॉड वो किसके बनेंगे, जल जीवन मिशन के। तो टर्म यहां से क्या निकला, जल जीवन मिशन और एनएबीएल, दो टर्म निकले, जल जीवन मिशन और एनएबीएल। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू होल्ड अ मेगा टूरिज्म प्रमोशन इवेंट इन श्रीनगर, ठीक है। इसको आप कहां पर यूज कर सकते हो, हाउ वी इंटरनल सिक्योरिटी हैज अ डेवलपमेंट एस्पेक्ट। भाई जैसे हमारा जो पेपर थ्री है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पर एक्सट्रीमिज्म ना हो इसके लिए वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं, टूरिज्म से जॉब क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि वहां की स्थिति और ठीक होती जाए। फिर तो ये इसमें काम आ जाएगा हमारे, ठीक है। स्पोर्ट मिनिस्टर, खेलो इंडिया ये छोड़ दीजिए। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रोल क्रिटिकल ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक जस्टिस डिवाइस चंद्रचूड़। अब इसको एक बार पूरा पढ़ करके आप क्या करेंगे, जैसे इन्होंने एक सवाल इस बार पूछा, ये COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Given account of how technology was sought to aid management of the pandemic. तो मतलब इस तरह के जो technical aspect पर सवाल बनेंगे उसमें आप example दे सकते हो कि how we have adapted to the new reality. ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। मतलब your newspaper, you cannot, let me tell you, you cannot read newspaper if you don't know syllabus, if you don't know previous year question paper, असंभव है कि आप पढ़ लें उसको, ठीक है ना। तो that is आपका PIB, newspaper भेजना जरा। US warship states the waters without Indian consent, Delhi conveys concern, ठीक है ना। अब इसमें पहला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, India's exclusive economic zone। तो पहला शब्द क्या बन रहा है, exclusive economic zone, ठीक। पहला जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, EEZ। बट दिस विल गो एज एन एग्जाम्पल इन इंडो यूएस रिलेशंस।
ठीक है, कि यूएस जो है, यूएस की जो वॉरशिप है वो बिना कंसेंट के हमारे वाटर्स में था, ठीक है, एंड दैट कॉज्ड फ्रिक्शन। तो ये रीसेंट ट्रेंड्स में, रीसेंट एग्जांपल्स में इंडो यूएस में जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब वो जो भी हो, फिर इन टाइम ऑफ क्वाड अ न्यू एसओपी अनयूजुअल स्टेटमेंट सेट ऑफ डिस्क्वाइड इन दिल्ली। क्वाड, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिएगा कि क्वाड इज ग्रुपिंग ऑफ फोर कंट्रीज, क्वाड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इस तरह के आर्टिकल छोड़ देने हैं, महाराष्ट्र एंटर्स छोड़ देना है, कायदा लिंक्ड आउटफिट चीफ अमंग सेवन मिलिटेंट्स किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कौन सा? अब जैसे ये पेज है तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत बड़ा झूठ इन्होंने फैलाया। पीआईबी पे तुरंत उन्होंने, एफसीआई ने डेटा दे दिया, लोकेशन डाल दी कि भैया यहाँ पे हमने खोल रखा है। खैर ये लोग पॉलिटिक्स है तो अब जैसे ये है, तो इलेक्शन कमीशन जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने मजाक बना के रखा है, कुछ भी बोलते रहते हैं। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 124 है। 124 क्या कहता है कि आप रिलीजियस उस पर वोट नहीं मांग सकते, अदरवाइज इट विल बी इलेक्ट्रल ऑफेंस। तो ईसी ने इनको नोटिस भेजा, रहा हूँ, शी इज सेइंग शी डोंट केयर। तो मतलब ठीक है, वी डोंट, इट इज पॉलिटिकल, वी डोंट हैव टू गो देयर, बट एटलीस्ट इट इज एज एन इंस्टीट्यूशन, ईसी इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, तो उनका कंटेम्प्ट हो रहा है। अब जैसे ये है एनआईए कोर्ट, ठीक है ना, तो अब एनआईए, अगेन एनआईए इज अ इट इज अ टर्म, इट इज अ इंफॉर्मेशन बेस्ड टर्म, बट आई विल मतलब डू एनआईए एक्ट, मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा बाकायदा एनआईए, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप एनआईए को एज अ टर्म मेंशन कर सकते हैं, एक ब्रॉड आपको एनआईए के बारे में हल्की सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। फिर इंडिया नेदरलैंड्स लॉन्च स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर, वाउ टू वर्क क्लोजली इन इंडो पैसिफिक, इट इज अ गुड आर्टिकल। तो वाटर सेक्टर में हम क्या कर काम कर रहे हैं, तो उसको हम वाटर स्कार्सिटी वाले में भी लिख सकते हैं और इंडिया यूरोप में भी लिख सकते हैं। अगेन इंटरकनेक्टेडनेस, हम ये लिख सकते हैं कि वाटर सेक्टर में काम करने के लिए हम नेदरलैंड से टेक ले रहे हैं, और दूसरा क्या कि इंडो इंडो पैसिफिक में हम क्या काम कर रहे हैं वो भी। नंबर दो, वाउ टू वर्क क्लोजली इन इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक में आपको आई आर में पूरा पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इंडिया नेदरलैंड आर ऑल्सो वर्किंग टूगेदर। तो दिस आर्टिकल आई वॉन्ट यू टू नोट एज इंटेलेक्ट ड्रिवेन आर्टिकल, ठीक है ना, इशू ड्रिवेन आर्टिकल। इंडो, इट विल ऑल्सो गो इन इंडिया यूरोप, इट विल ऑल्सो गो इन इंडो पैसिफिक। हाँ, समरी मतलब, हाँ नोट बना लेना, समरी बना, अटेंडिंग यूरोप, बिल्कुल ये एग्जाम्पल अटेंडिंग यूरोप का। फिर यहां पर ये आर्टिकल छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, देखो होगा क्या, कोविड पर डेली डेली आर्टिकल आएंगे, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। भद्र रोग मिस डायरेक्शन, ये भी छोड़ देना है। इन डिफेंस ऑफ स्मॉल सेवर्स, ये आप पढ़ सकते हैं, बट अगेन दिस विल इज टू टेक्निकल। लेकिन इसमें करना क्या है, जैसे ये है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड दिख रहा है, तो एनएसएसएफ के नोट बना लेने। अब इसमें बात क्या है, इसमें जैसे अभी आएगा गवर्नमेंट सेक यील्ड्स, ये आ रहा ना टर्म, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स, सो नाउ यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तब आप इसको समझ जाएंगे। तो इकोनॉमी के कुछ आर्टिकल्स होंगे जो अभी आपको शुरुआत में समझ नहीं आएंगे,
उनमें पैनिक नहीं करना है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा सारे समझ में आने लगेंगे। और एक चीज, ऐसे आर्टिकल साल भर बाद ना प्रीलिम्स और ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते, क्योंकि ये डेली आएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा इतना बड़ा इशू है जो हमारे मेंस तक सस्टेन करेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो वहां तक चलेगी। बॉल टू बॉल कमेंट्री जो डेली आ रही है वो डेली नहीं पढ़नी है। जब आप हर आर्टिकल डेली पढ़ने लगते हो तो आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं न्यूज़पेपर में, बट व्हेन यू नो व्हिच वन टू रीड यू आर सेफ, राइट। अब जैसे ये नदर्न आयरलैंड का इशू है, ठीक है ना, यू कैन रीड इट। ये भी पढ़ सकते हैं, चाइना पाक टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन इन यूएन, ठीक है। फिर अब जैसे मैंने आपको बोला ना ईजेड वगैरह, तो उन्होंने ये पूरा आर्टिकल दे रखा है, ये काफी अच्छा आर्टिकल है, इंडियन इंटरनेशनल लॉ एंड यूएस एसोसिएशन, ठीक है, इट इज अ गुड आर्टिकल, तो यू कैन रीड इट। फिर बहुत अच्छा आर्टिकल, मैनी एंडेमिक स्पीसीज कैन गो एक्सटिंक्ट अनलेस पेरिस पैक्ट गोल इज मेट, स्टडी प्रोडिक्ट्स। नाउ पेरिस पैक्ट आई विल, मेरी जिम्मेदारी है पेरिस पैक्ट आपको पूरा कराना, बट यू विल सेंड द समरी ऑफ दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल की आप मुझे समरी भेजेंगे, समरी उसी फॉर्म में, शॉर्ट, एक पॉइंट एक लाइन से आगे निकलना चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस समरी से ही शुरू होगी, ठीक है। फिर दैट इज दैट, ठीक है। तो ये है आज का हमारा अखबार, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहीं रोकेंगे, कल फिर हम लोग मिलेंगे 6:30। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछो, एनीबडी। तो मैं भी आना, तुम्हें तो कल आना ही है, बताओ जो पहला जो। नहीं ये सब तुम्हारे लिए था, कल से तुम वो भी पढ़ोगे ना, क्या कहते हैं, प्रियम्बल वगैरह, ठीक है। तो कल से वी विल स्टार्ट प्रियम्बल, देन डीपीएसपी, ठीक है, 11-12 शेड्यूल, ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, और फिर उसके बाद हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के साथ साथ में हम लोग आईआर चलाएंगे, इंडिया वे वगैरह करेंगे, सारी चीजें चलेंगी, ठीक है ना, उस पर भी देखते हैं हिस्ट्री। और उसमें कौन सी वीडियो, जरूरी होता है काम।